परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज जो अनुभव मैं आपको हनुमान जी से जुड़ा बताने वाला हूँ, यह अनुभव मुझे इंदौर से श्रीमती कीर्ति गौतम ने भेजा है। इंदौर में फूटी कोठी नाम से एक जगह है जहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, और आज का अनुभव बहन कीर्ति ने मुझे उन्हीं फूटी कोठी वाले हनुमान जी बाबा का भेजा है। और एक अनुभव हनुमान जी के फूटी कोठी वाले बाबा का उनका 13 साल पुराना है, और दूसरा अनुभव बिल्कुल अभी इस लॉकडाउन के समय का। और साथ में उनके जीवन में बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज कैसे आए इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो आज का ये अनुभव बहन कीर्ति की ही आवाज में मैं आपको सुनवा रहा हूँ। आइए बहन कीर्ति के ही मुख से सुनते हैं कि उनके जीवन में फूटी कोठी वाले बाबा हनुमान जी ने किस तरह से उनके जीवन में कृपा करी, और हनुमान जी की कृपा के बाद किस तरह से उनके जीवन में बाबा आए। बाबा से जुड़े अनुभव वे अपने आगे के किसी वीडियो में भी शेयर करेंगे। फिलहाल आज उनके जीवन में बाबा कैसे आए आप ये जाने। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौरी जी महाराज की। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस है हनुमान जी की कृपा का। मेरा नाम कीर्ति है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। इंदौर में एक स्थान का नाम फूटी कोठी है। फूटी कोठी में हनुमान जी का दक्षिणमुखी मंदिर है जो बहुत प्राचीन है। यह घटना मेरे साथ जो हुई है 13 साल पुरानी है। उस समय मेरी सासू माँ हनुमान जी को आटे के बने दीपक लगाया करती थी जो बढ़ते व घटते क्रम में लगते हैं। एक दिन हमारे घर पर एक परिचित का आना हुआ। वो जाने लगे तो शाम का समय था। उन्होंने मेरे पति से कहा कि तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ आओ। तो मेरे पति ने हाँ कह दी। वह मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम जा ही रहे हो तो ये हनुमान जी के दीपक भी लेते जाओ। मेरे पति से कहा मेरी सासू माँ ने लगाते आना। मेरे पति ने मेरे बड़े बेटे को भी अपने साथ ले लिया जो कि मात्र 3 साल का था। रास्ते में ही परिचित को किसी कार्य के लिए गाड़ी से उतरना पड़ा। इस दौरान मेरे पति ने गाड़ी एक तरफ लगा ली। वो बाइक पर थे। उस रास्ते से पीछे से ट्रक आ रहा था। मेरे पति तो साइड में ही खड़े थे तो उन्हें कोई डर ही नहीं था, पर अचानक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी जिसके कारण मेरे पति व बेटा बाइक समेत ट्रक के नीचे आ गए। जो लोग यह सब देख रहे थे उन्हें ऐसा लगा कि अब इन दोनों में से कोई नहीं बचेगा, लेकिन हनुमान जी की कृपा के कारण ट्रक रुक गया। मेरे बेटे को हाथ में फ्रैक्चर हुआ व मेरे पति को हल्की सी खरोच आई थी। ये चमत्कार केवल हनुमान जी के उन दियों के कारण था जो मेरे पति के साथ थे। बाइक बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मुझे तो ये सब रात में पता चला क्योंकि मैं उस समय मेरे पियर गई थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए मुझे ये सब बाद में बताया गया कि कहीं मैं घबरा ना जाऊं। आज भी जब ये हादसा याद आता है तो हनुमान जी को सच्चे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि अगर वो कृपा नहीं करते तो मेरी पूरी लाइफ पूरी जिंदगी खराब हो जाती। अगर पति व बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, क्योंकि उस समय मेरा 7वां महीना चल रहा था। पर कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। इसी क्रम में हनुमान जी का दूसरा चमत्कार भी आपको बताना चाहती हूँ, जो कि वो भी फूटी कोठी मंदिर का ही है, जो बिल्कुल अभी अभी का है। 21 मई गुरुवार 2020 का है। लॉकडाउन चल रहा था। सुबह के 8 बजे की बात है। मेरे छोटे बेटे को हम काफ़ी देर से उठा रहे थे पर वो उठ ही नहीं रहा था। वो पलंग पर लेटा हुआ था और उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पेट के बल सोया हुआ था कि तभी मेरे बड़े बेटे ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे ऐसे ही नीचे खींच दिया। मेरे छोटे बेटे का वजन ज़्यादा है हाइट वो उम्र के हिसाब से, क्योंकि वो सोया था नींद में ही था उसे कुछ पता नहीं था। उसका सारा वजन दोनों घुटनों पर आ गया। अब पलंग से गिरा घुटनों के बल एकदम तो जोर जोर से रोने लगा। उसे मुझे लगा थोड़ी देर में चुप हो जाएगा पर उसका दर्द तो बढ़ते ही जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगा क्योंकि वो ना तो बैठ पा रहा था ना ही खड़ा हो पा रहा था। हमने उसे पलंग पर लेटाया। मेरे पति ने उससे कहा कि अपने पैरों की उंगलियों को हिलाओ, पर वो हिला ही नहीं पा रहा था। तो मैंने अपने हाथों से धीरे धीरे उसकी उंगलियों को हिलाया तो वो दुगनी ताकत से रोने लगा।
मेरे पति ने मुझसे कहा कि इसके पैरों पर बाम लगा दो, पर वो टच तक नहीं करने दे रहा था। घुटनों को दोनों घुटने जो पत्थर की तरह कड़क हो गए थे, वो लाल भी हो गए थे। अब तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि इसके घुटने शायद अंदर से टूट चुके हैं। एक सेकंड में ही मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आ गए कि अब पूरी जिंदगी ये कैसे चलेगा, खड़ा भी हो पाएगा या नहीं। मैं बहुत रोने लगी। अब मेरे पति को भी लगा कि इसका किसी हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इतने में ही हमारे नीचे जो भाभी रहती है वो भी आ गई। रोने की आवाज सुनकर वो मुझे सांत्वना देने लगी कि कुछ नहीं होगा, इसको डॉक्टर को दिखा देंगे। पर मेरे पति डॉक्टर के नाम से ही घबरा रहे थे, क्योंकि कोरोना नाम की महामारी इंदौर में ज्यादा थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने में डर रहे थे कि कहीं कुछ और ज्यादा खराब ना हो जाए। अब तो उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। लगभग आधा घंटा हो गया था उसे लगातार यूं रोते हुए। उसके साथ साथ मैं भी रोए जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि फूटी कोठी वाले हनुमान जी। तो मैंने आंख बंद करके वहीं पर बैठे बैठे हाथ जोड़कर उसी समय कहा मन ही मन, फूटी कोठी वाले बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं आपको चोला चढ़ाऊंगी। अपने मन में मैं दो ही बार ये शब्द बोल पाई थी कि मेरा बेटा एकदम बोला मम्मी रो मत, मेरे पैर ठीक हो गए हैं। और उसी पल उठ बैठा जैसे हनुमान जी वहीं हमारे पास ही थे और सोच रहे थे कि ये मुझे कब पुकारे और मैं सब ठीक कर दूं। जैसे ही मैंने उन्हें याद किया 5 सेकंड में ही मेरे बेटे के पैर ठीक हो गए। नीचे वाली भाभी और मेरे पति उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। एकदम फिर मैंने बोला कि मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी, क्योंकि मैं हर मंगलवार फूटी कोठी स्थित हनुमान मंदिर जाती हूँ, अपने छोटे बेटे को लेकर ही जाती हूँ। मेरे जीवन के 2 बहुत ही बड़े अनुभव हनुमान जी की कृपा के, जो संपूर्ण समर्पण से हनुमान जी के चरणों की शरण लेता है, बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। तो यह था बहन कीर्ति द्वारा बताया गया बाबा फूटी कोठी वाले हनुमान जी बाबा का अनुभव। अब बहन कीर्ति से खुद ही सुनते हैं कि उनके जीवन में बाबा नीप करौरी जी महाराज कब और कैसे आए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा मेरी जिंदगी में कैसे आए। एक दिन मैं YouTube पर हनुमान जी की वीडियो देख रही थी, तो अचानक से बाबा नीम करौरी जी की वीडियो आ गई। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, क्योंकि उस वक्त तो मैं बाबा को जानती ही नहीं थी। मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना था, पर फिर भी मैंने YouTube पर उनकी वीडियो लगातार देखती रही और समझ गई बाबा किस तरह अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ये बाबा की ही इच्छा थी कि मैं उन्हें जानूं, क्योंकि हमारे घर में सभी हनुमान जी को मानते हैं और मैं भी सच्चे मन से उनकी पूजा करती हूँ। अब मैं तो बाबा के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, पर समस्या तो ये थी कि मेरे पति को कैसे उनके बारे में बताऊं, क्योंकि आजकल के जो बाबा लोग हैं उनके कार्य के बारे में मैं क्या कहूं, आप सभी लोग जानते हैं। इस कारण मेरे पति बाबाओं से बहुत चिढ़ते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें कैसे बताया जाए। तो मैंने बाबा से ही प्रार्थना की कि बाबा आप ही कुछ ऐसा करो जिससे मेरे पति मुझे आपकी पूजा करने से रोके नहीं। उस समय लगभग 1 महीने से मेरे पति की तबीयत खराब थी और उस रात वो सो भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने उस समय रंजन भैया की, वो जो मैं और मेरे बाबा नीम करौरी जी महाराज महासमाधि वाले, उनकी दोनों पार्ट सेव करके रखे हैं अपने मोबाइल में। तो मैं आज भी वो वीडियो रोज रात को सोने से पहले सुनती हूँ। तो मैंने मेरे पति से कहा कि मेरे मोबाइल में वीडियो सेव है, आप उसे सुनेंगे कि आपको नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने हाँ कह दी और उन्होंने वो वीडियो सुनी तो उन्हें अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा भी सुनाओ, तो दूसरा भी सुना उन्होंने, उन्हें बहुत हल्का लगा और फिर उन्हें नींद भी आ गई। अब मेरे साथ वो भी बाबा जी को मानने लगे, क्योंकि वो भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं। ये बात 2019 दिसंबर की है और फिर जनवरी में मैं बाबा की फ़ोटो मोबाइल से निकला कर अपने घर में ला चुकी थी। बाबा को घर में स्थापित हम लोग कर चुके थे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोटो से ही तुम्हारी सब बात सुन लेता हूँ। लॉकडाउन में जो मेरे बच्चे के साथ हनुमान जी की एक्सपीरियंस हुआ था, उस समय तक बाबा नीम करौली महाराज हमारे घर में आ चुके थे। बाबा सच में फ़ोटो से ही हमारी बातें सुनते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं आपसे फिर कभी बताऊँगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली जी महाराज। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर आपको जहाँ कहीं भी मिले, मैं सभी प्रेमी मित्रों से कहूँगा कि आप वहाँ जरूर मत्था नवा करके आए, और ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं आप अगर आपको कहीं भी दक्षिण मुखी हनुमान जी का सिद्ध मंदिर मिल जाता है। आज आपने बहन कीर्ति का अनुभव सुना, और आगे फिर कभी हम इनसे आपको
इनके जीवन में जुड़े बाबा से जो जुड़े अनुभव हैं वह भी आपको सुनवाऊंगा, वह भी आपको बताऊंगा। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में। तब तक सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।